आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोग, इस बात को याद रखना। तो एक एक करके मांग पड़ता हूँ, पढ़ू भाई आप समर्थन भी करना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बड़े वो नेता नहीं जो राज्यसभा विधानसभा लोकसभा में तलवे चाट रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहे। जय भीम के नाम पर बहुत दिन तक लगा रहे, सुनो मैं सब कुछ निवेदन करना, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई, जिनकी जिनको सरकार बनाए खाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल, बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक, तुम्हें आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते हो। सुनो मेरी बात तक गौर करो, अपन बोल लो बस, कोई भी निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों SC ST OBC माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान 1938 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मानसिक मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के सिर को के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनहरी हत्याएं की जा रही है, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित मैमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुर्जर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनो हिंसा हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCERT की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पड़ता हूँ, पढ़ू भाई आप समर्थन भी करना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बड़े वो नेता नहीं जो राज्यसभा विधानसभा लोकसभा में तलवे चाट रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, देश में 85% लोग SC ST OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की सानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूँ, UPHS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ, आप चेक करा लेना। उन्होंने षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माना जाएगा, 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में, आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है, पिछले वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं
कि आपके नेता जिन्होंने जिनको आपने वोट से बनाया उनको ये दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए उनसे पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए जो केवल SC ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छे। SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपचार के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए, पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो भाई? मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC ST OBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्राविधान किया जाए तथा इन वर्गों का बैकलॉग कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला जाए। हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आप भले ही धीमे धीमे हमारे साथ खड़े हो रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू करवा कर देंगे, इस देश में याद रखियो। सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो? ठीक है। यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खिलाफ है क्योंकि यह सरकारी नौकरी में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है, अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इस पे सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, आपसे समझ। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह है कि सेना में अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था लागू हो। आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ लोग अग्निवीर से वापस लौट रहे हैं, इसको भी हम ही करा कर देंगे और किसी में हिम्मत नहीं, ठीक है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ है, अतः किसानों की MSP की समय बुद्ध कानूनी लीगल गारंटी सुनिश्चित की जाए। और अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे वो मुकदमे वापस हो और जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आप दे रहे हो उसको बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। यह है कि संविदा नौकरी में आउटसोर्सिंग भर्ती को तत्काल खत्म किया जाए तथा संविदा पे कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों का समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। जो सफाई कर्मचारी ने संविदा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ठेके संविदा पे रखे गए हैं उनको संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन करते हुए नियमित किया जाए। आप इससे सहमत हो भाई? पहले तो ठेकेदारी होनी नहीं चाहिए, मगर जो ठेकेदारी पे है अगर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए मिल रहे तो उसको भी 50,000 रुपए मिले, ये बात पे सहमत हो? चलो ठीक है। और सफाई कर्मचारी दिल्ली के तैयार रहे, आपकी मांग हम अगले 1 महीने पूरी करवाने के लिए यहाँ की सरकार से भी निमट लेंगे, आप चिंता न करियो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पूर्व
सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त की जाए तथा शैक्षिक और लैंगिक स्थापना समानता स्थापित की जाए, उसके बाद यूसीसी पे आपसे बात करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी कानून लाओगे, हम उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोग, इस बात को याद रखना है।